Hey guys, welcome back to my channel Beauty Salt. आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर. आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है एक कॉलेज मेकअप. मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें इजी सा कॉलेज मेकअप है और इजी सा मेकअप है, आप एवरीडे भी यूज कर सकते हैं. तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट कोई सी भी मिस ना हो. और जो भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज करूंगी वो मैं आपको सारे सब कुछ बता दूंगी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए. तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. अभी तो मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है, इवन मॉइस्चराइजर टोनर कुछ भी नहीं लगा रखा है. तो सबसे पहले हम यूज करेंगे टोनर. तो आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, आपको फेस वॉश यूज़ करने के बाद में सबसे पहले जो यूज़ करना है वो है टोनर. मैं रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ. अगर ये तो गुड वाइब्स का रोज़ वाटर है, अगर नहीं है आपके पास तो आप ये वाला रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी. वैसे रोज़ वाटर सबसे बेस्ट होता है, मतलब आपको और भी ज़्यादा इस पर पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और टोनर के उसमें आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोनर को शेक करना है, देन उसे अप्लाई करना है. बस इस तरीके से आप टोनर को सूख जाने दीजिए. टोनर आपके जो फेस है उसके उसे हाइड्रेट करने का काम करता है. जो भी मेकअप आप करते हैं वो केकी भी नहीं लगेगा, और टोनर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है. और हाइड्रेट करने के साथ एक और चीज़ है, आप पानी जितना पियेंगे उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपको पानी बहुत सारा पीना है. ठीक है, और तो सबसे पहला था हमारा टोनर. सेकेंड स्टेप जो रहेगा वो है मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र सेकेंड स्टेप है. आप टोनर लगाने के बाद कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं या आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, वैसे तो कोई भी स्किन टाइप वाले सीरम यूज़ कर सकते हैं, उनका अलग अलग आता है, तो वो सीरम्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बहुत ही इजी सा मेकअप बता रही हूँ. तो यहाँ पे मैं पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने टोनर यूज़ कर लिया है, उसके बाद में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है. मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, और आप सीरम अगर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीरम तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीरम जो होता है वो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करके रखता है. तो आप सीरम यूज़ करें, बस इस तरीके से आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है. ये आपकी स्किन हो गई है हाइड्रेट प्लस मॉइस्चराइज हो गई है आपकी स्किन. उसके बाद फिर उसके बाद में आपको यूज़ करना है लैक्मे 925 सीसी क्रीम. आप कोई सा भी बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या जो डेली में आप जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं. मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम सीसी क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, जो कवरेज भी अच्छी देता है और ज़्यादा प्रोडक्ट आपको यूज़ भी नहीं करने होते हैं. उसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पफ. तो इसे आपको पहले से थोड़ा सा गीला कर लेना है, उसे निचोड़ने के बाद में थोड़ी देर बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं. यह है लैक्मे सीसी क्रीम, ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है. इसके साथ एक और चीज़ है, आपको इसको लगाने के बाद में कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट उसे सेट करने के लिए मैंडेटरी हो जाता है. बस इस तरीके से क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. बस इस तरीके से आपको इसे ब्लेंड करना है. नेक पे लगाना बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि नहीं तो ये और ये आपकी स्किन अलग अलग दिखेगी. आप पफ अगर यूज कर रहे हैं तो इससे जो है ब्लेंडिंग अच्छे से होती है, ये सेट अच्छे से होता है क्रीम,
तो मुझे इसी से ब्लेंड करना अच्छा लगता है और नेचुरल लुक आता है। बस इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है और ये कंप्लीट। इसे करने के बाद में आपको यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। तो जो हम यूज़ करेंगे शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर तरीके से, बस ये लगाने के बाद में फिर आप कोई सा भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। ये भी है शुगर का लिप बाम, तो आप ये यूज़ कर ले। जो लोग लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कलर भी आता है। शायद इसके दो शेड है आई थिंक। बस इसे लगाने के बाद में आपको अपनी आईब्रो सेट करना है, क्योंकि आईब्रो सेट नहीं होगी तो वो कुछ अलग ही लगेगा। तो आईब्रो सेट करने के लिए मैं स्वीस ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें चार शेड आते हैं। एक वैक्स क्रीम आता है, इस पर भी मैंने एक रिव्यू वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। और प्लस इसके बाद में तीन शेड्स आते हैं, ग्रे कलर, ब्लैक एंड ब्राउन, से आप अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले वैक्स ना है, आईब्रो पाउडर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक। मैं ब्राउन ब्लैक दोनों मिक्स यूज़ कर रही हूँ। हमने यूज़ कर लिया है आईब्रो पैलेट यूज़ कर लिया है, जिसमें मैंने आईब्रो सेट कर ली है। उसके बाद में आपको यूज़ करना है काजल। अगर आप लगाते हैं जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं, वाइट कलर या फिर ब्लैक, और भी जो आपका पसंद का कलर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है मियोन कंपनी का। इसका भी मैंने रिव्यू वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सेकेंड चीज़ है, इसे यूज़ करना, ये जेल काजल है, इसे ब्रश से यूज़ करना है। अगर आप काजल लगाना पसंद करते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैं इसमें बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं आपको यही प्रोडक्ट यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इतना लेना है, उसके बाद में आपको ये काजल लगा लेना है लाइट सा। तो बस हमने लगा लिया है काजल। उसके बाद में आपने लिप बाम लगाया था, तो लिप बाम जो लगाते हैं हम, वो पहले लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो आपके जो लिप्स है उसको मॉइस्चराइज कर देता है। उसके बाद में आप कोई सा भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिपस्टिक यूज़ करने से पहले जो भी आप कंसीलर अगर आप लगा रहे हैं अपने लिप्स पे, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हैं, तो उसके बाद में जो लिपस्टिक है वो बहुत अच्छे से लगती है। तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पिटमी का कंसीलर थोड़ा सा आपको लेना है, या तो मॉइस्चराइजर सॉरी लिप बाम भी यूज कर सकते हैं ओनली, या फिर आप लिपस्टिक यूज कर सकते हैं लिप बाम के बाद लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा अगर आप लगा लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगती है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और अपने लिप्स पर लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद में आप, ये है रैने का लिपस्टिक टॉप फेव 5, तो मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इसे इस तरीके से निकाल कर लेती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड चूज कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद में आपको एक चीज़ और करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है थोड़ा सा, और यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है। आप कोई सा भी लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आप कलर लगाते हैं वो लिपस्टिक का कलर यूज़ कर सकते हैं। आपने
मैंने ये था मेरा मेकअप लुक, बहुत ही सिंपल इजी सा मेकअप है और आप कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, घर के लिए, हाउसवाइफ्स जो होती है वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब ऐसे मेकअप कर सकते हैं। मैंने जो सबसे पहले यूज़ किया है टोनर यूज़ किया है, फिर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, उसके बाद में मैंने सीसी क्रीम किया है। आप कोई भी या सीसी क्रीम, डेली क्रीम जो लगाते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो भी चीज़ लगा रहे हैं उसका एप्लीकेबल कैसा है, उसे अप्लाई कैसे कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई सही करेंगे तो उसकी कवरेज अच्छी आएगी, प्लस वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद में आप अपनी आईब्रो सेट कर ले, काजल लगा ले और लिपस्टिक लगा ले। और लिपस्टिक के लिए मैंने आपको टिप्स बता ही दी है कैसे आपको अप्लाई करना है। बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स इजीली मिलती रहे। बाय।